अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी। पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को अच्छी तरह गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल अच्छी तरह गरम हो जाए, अब हम उसमें स्लाइस की हुई शिमला मिर्च को अच्छी तरह हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जब वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए, उसे हम एक प्लेट पे निकालेंगे और साइड में रख देंगे। इसी कढ़ाई में हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और उसे गुलाबी होने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज गुलाबी होने लगे, अब हम उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अच्छी तरह भून जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब हम उसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल तीखी मिर्ची, यहाँ मैंने इस्तेमाल की, आप यहाँ कोई भी मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसे कुछ देर के लिए भून लेंगे। जब सभी मसाले अच्छी तरह भून जाए, अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसे भी पकने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही अच्छी तरह मसाला भून जाए और तेल ऊपर आने लगे, अब हम उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, फ्राई की हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। जब अच्छी तरह भून जाए, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पनीर डाल देंगे। तो यह मैंने 250 ग्राम पनीर ली, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। जब वो अच्छी तरह पक जाए और तेल ऊपर आने लगे, तो गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो हमारी पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और इसके फीडबैक मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।